हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम टू माय ऑल लवली व्यूअर्स, दिस इज़ मारुफा नवाज़ अहमद एंड यू ऑल आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम लोग एक्सप्लोर करने के लिए आए हुए हैं आईफिल टावर विच इज़ इन कोलकाता। ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेप्लिका, बट अपने कोलकाता में भी आईफिल टावर है जो कोलकाता के इको पार्क में है, और हम लोग उतरे थे इको पार्क के गेट नंबर 2 में। सो माई डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ द इको पार्क गेट नंबर 2 जहाँ पर हम लोग उतरे थे। और अगर आप लोगों को सीधे आईफिल टावर के रेप्लिका के पास जाना है तो आप गेट नंबर 2 या फिर गेट नंबर 1 के पास भी उतर सकते हो। मैं आप लोगों को कैमरा अच्छे से घुमा कर दिखा देती हूँ। ये देखिए, वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल डेकोरेशन। और जो कि काफ़ी देर हो चुका था हम लोगों को पहुँचते हुए वहाँ पर, इसलिए ज़्यादा भीड़ हम लोगों को दिखा नहीं। और ये देखिए, दिस इज़ द मेन टिकट काउंटर from where you could get tickets and the cost of the ticket is rupees just 30। तो बाहर ही मेरी नज़र पड़ गई दोस्तों फुचके के सेक्शन के ऊपर, जिसे देखकर मुझसे बर्दाश्त नहीं और मैं वहाँ खाने चली गई। और 10 रुपीज़ का 4 पीस फुचका दिया है इन लोगों ने, और फिर मैंने एंट्री ले लिया है। और एंट्री करते ही मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ नज़र आई, जो कि वाजिब बात है। और फिर आप लोगों को दिखेगा ऐसा ट्रेन का सेक्शन। और अगर ट्रेन की फेयर की बात करूँ मैं तो 150 रुपीज़ है नॉन एसी ईच पर्सन, और 250 रुपीज़ है एसी का ईच पर्सन के लिए। जो कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने लंच नहीं किया था, तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना पहले पेट पूजा कर लिया जाए, तो इसलिए हम लोगों ने ले लिया है चिकन चिली और फ्राइड राइस, जो कॉस्टिंग रुपीज़ पड़ा 220 रुपीज़। और ये इको पार्क गेट नंबर 2 से एंट्री करते ही आप लोगों को फ्रंट दुकान मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत सारे खाने के वैरायटी रहते हैं, आपके ऊपर है, आप जो चाहे ले लो। खाने के बाद हम लोगों ने लिया था टी, क्योंकि ठंड का वक्त है, और ठंड के वक्त में अगर आप टी पी लोगे तो बहुत ज़्यादा रिफ़्रेशमेंट फील होगा। तो टी का जो प्राइस था वो 15 रुपीज़ ईच था। तो फ्रेंड्स, आफ्टर हैविंग अवर टी हम लोग उठ चुके हैं आईफिल टावर रेप्लिका के पास जाने के लिए, और ये काफ़ी ज़्यादा दूर है। अभी तो हम लोग इको पार्क नंबर 2 में ही हैं। और ये देखिए, ऐसे बोट आपको देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं आप लोगों को कैमरा जूम करके दिखाती हूँ। देखिए, मेरे सामने ही आईफिल टावर है जहाँ मुझे जाना है, लेकिन बहुत ज़्यादा दूर है दोस्तों, बाय वॉकिंग जाना पड़ेगा। तो जो कुछ मुझे रास्ते में इंटरेस्टिंग लग रहा है वो मैं कैप्चर और कवर करते करते जा रही हूँ, ताकि आप लोग अच्छे से देख लो। और ये बलून बोट का प्राइस मैं आप लोगों को बता दूँ, 150 रुपीज़ ईच पर्सन है। ऐसे देखिए, छोटा छोटा बोट, साइकिलिंग, सब कुछ आपको मिल जाएगा। इको पार्क इज़ अ फुल अम्यूजमेंट पार्क, आप लोग बोर नहीं होगे अगर आप लोग एक बार आ जाते हो तो। देयर आर लॉट्स ऑफ मेन थिंग्स टू डू। अब मैं बाय वॉकिंग जा रही हूँ, तो मेरे सामने ही आप लोग देख सकते हैं कि आईफिल टावर है वहाँ पे। शायद आप लोगों को ऐसे दिखेगा नहीं, तो मैं आप लोगों को सामने ले जाकर अच्छे से दिखाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो दोस्तों, आज है 27th of December और दिन है संडे, तो इसलिए बहुत ज़्यादा भीड़ है। लोग जो है काफ़ी पिकनिक मनाने के लिए आए हुए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा भीड़ है। कोई भी ऐसा जगह नहीं है दोस्तों जो आप लोगों को खाली दिख जाएगा, तो मैं आप लोगों को सीधे लिए चलती हूँ आईफिल टावर। तो फ्रेंड्स, एज़ यू ऑल नो कि आई एम अ ग्रेट नेचर लवर पर्सन, तो मुझे ये सब फ्लावर्स देख के बहुत ज़्यादा खुशी लग रहा है। आप लोगों को भी मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स है ना, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, आप लोग खुद देख लो। तो जैसे जैसे मैं आईफिल टावर की तरफ जा रही हूँ, वैसे वैसे मुझे नज़र आ रहा है एक से बढ़कर एक खूबसूरत फ्लावर, तो मैं कवर अप कर रही हूँ और वो भी आप लोगों को। देखिए, ऐसे बोट्स भी अवेलेबल है यहाँ पे। पहले ना दोस्तों ये ऐसा घेरा हुआ नहीं था, लेकिन अभी इसको ऐसा बना दिया गया है। खाने का दोस्तों, अगर आप घर से नहीं ला रहे हो तो यहाँ पे बहुत सारा होटल्स अवेलेबल है, यहाँ पे आप खा सकते हो। यहाँ पे आपको वैरायटीज ऑफ फूड्स मिल जाएंगे, तो यू कुड हैव दैट आल्सो। देखिए दोस्तों, दे ऑल आर प्रैक्टिसिंग। लोग आते हैं यहाँ पे स्पेशली शूटिंग वगैरह कराने के लिए, आप लोग देख सकते हैं। एंड दैट इज़ अ जापानीज फॉरेस्ट As you all could see, मेरे सामने ही है आईफिल टावर। ऑफ कोर्स इट इज़ अ रेप्लिका, बट बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों। अगर आप अच्छे से फोटोग्राफी कराओगे ना यहाँ पे आके, तो कोई भी एंगल से आपको नहीं बोलेगा कि ये रेप्लिका है। ये देखिए, मैं आपको एकदम सामने से अच्छे से ले जाकर पूरा दिखाती हूँ, तो मेरे साथ बने रहिएगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने देखा होगा मेरे पहले वाले वीडियो में कि हम लोग इको पार्क आए हुए थे और 7 वंडर्स आपको घुमाए थे, लेकिन 7 वंडर्स में से ये जो आईफिल टावर है ये वहाँ पे नहीं है, क्योंकि इसको बहुत बड़े प्लेस में इसको अकेला दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। तो ये देखिए दोस्तों, हम लोग पहुँच ही गए हैं, एकदम मेरे सामने आईफिल टावर है।
आई मीन जिसे आईफिल टावर का रेप्लिका है। बहुत ही खूबसूरत लगता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा खूबसूरती से इसे बनाया गया है, आप लोग देख लो। और अभी जो कि शाम होने को है, तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लाइटनिंग भी दिया हुआ है और अलग से गेट है इसके अंदर आपको जाने के लिए, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो एंट्री टिकट खरीदे ना, उसको फेंके नहीं, अदरवाइज़ ये लोग आपको अंदर आने नहीं देंगे, क्योंकि इसको अलग सेपरेटली पूरा बनाया गया है, आप लोग देख लो। देखती हूँ दोस्तों अंदर जाने का क्या प्रोसेस है, जो कुछ भी मुझे पता लगेगा मैं आप लोगों को ज़रूर अपने इस वाले व्लॉग में बताने वाली हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे क्रिसमस के लिए अच्छे से बनाया गया है पूरा, देखिए। तो खूबसूरत लगता है ना दोस्तों, कि एक तो आपके सामने आईफिल टावर है और दूसरा क्रिसमस के लिए आपके ऐसे करके पूरा बना दिया गया है, आप लोग देख लो। और मेरे सामने एक है ढाबा अजांते, आई होप दैट आई स्पेल्ड इट करेक्टली। यहाँ पे थोड़ा कम भीड़ है दोस्तों, और आईफिल टावर के अंदर जाने के लिए भी लाइन लगा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। आई मीन टू से आईफिल टावर के रेप्लिका के नीचे मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, ये देखो, ये वो लिफ्ट है दोस्तों जिससे आप लोग ऊपर की तरफ जाओगे। बहुत ज़्यादा भीड़ है अंदर जाने के लिए, ये लिफ्ट ही है जो आपको ऊपर की तरफ लेकर जाएगा। और बहुत ज़्यादा स्लिपरी यहाँ का जो फ्लोर है ना, बहुत ज़्यादा स्लिपरी है, तो आप अपना पैर जो है वो संभाल कर ज़रा चलना। तो फ्रेंड्स, इसके अंदर जाने का अलग से टिकट लगेगा कि नहीं, वो अहमद पूछने के लिए गए हैं। फ़िलहाल मैं लाइन में खड़ी हो चुकी हूँ, आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, अहमद पूछ कर आ चुके हैं और वो बता रहे हैं कि जो एंट्री टिकट आप लोगों को 30 रुपीज़ का देता है गेट के लिए, तो उसी के ज़रिए आप इस टिकट को दिखा कर आप ऊपर जा सकते हो। तो एंट्री टिकट यहाँ पर अलग से नहीं है ऊपर जाने के लिए। तो चलिए अंदर आप लोगों को लेकर जाती हूँ और अच्छे से वहाँ पर पूरा व्यू आपको दिखाती हूँ। तो दोस्तों, मैं देख सकती हूँ यहाँ से कि बहुत सारे लोग जो है वो ऊपर जाके अच्छे से फ़ोटो खिंचा रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा ऊपर है। तो दोस्तों, शायद विदाउट मास्क का ये लोग अंदर अलाउ नहीं करे, तो इसलिए मैंने मास्क जो है वो अपने मुंह पर पहन लिया है। हालांकि आप लोग जानते हैं कि कुछ नहीं, लाइन में लगी हूँ दोस्तों अंदर जाने के लिए, ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखा सकूँ पूरा। तो फ्रेंड्स, एंट्री टिकट संभाल के रखिएगा, अदरवाइज़ अगर आपने एंट्री टिकट को लॉस्ट कर दिया तो आपको आईफिल टावर के अंदर जाने नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, फाइनली हमारा लिफ्ट आ चुका है और हम लोग अंदर की तरफ जा रहे हैं। फाइनली हम लोग आ चुके हैं इस लिफ्ट के सहारे। तो मैं आप लोगों को अच्छे से पूरा दिखा देती हूँ, आप लोग देख लो। और वापस जाने के लिए भी लाइन है, आप लोग देखो वहाँ पर। ओह, व्हाट अ व्यू दोस्तों, व्हाट अ व्यू, ब्यूटीफुल। आई मस्ट शो यू ऑल फ्रॉम द बैक कैमरा फॉर देन, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट।
तो दोस्तों वक्त एकदम हो चुका है मगरिब का और दूर कहीं अजान हो रहा है और मेरे कानों में अजान की आवाज़ भी आ रही है। तो दोस्तों इतने ऊंचाई में आकर और अजान सुनने का अपना ही अलग मज़ा है। आई होप आप लोगों को कैमरा में सुनाई जाता होगा। और अहमद आप लोगों के लिए वहाँ पे अलग से वीडियो बना रहे हैं और मेरे सामने ही वैक्स म्यूजियम है, आप लोग देख सकते हैं। ऊंचाई भी देख लो दोस्तों, ये फर्स्ट फ्लोर है दोस्तों, पहले सेकंड फ्लोर तक लेके जाया जाता था लेकिन अभी उसे बंद करके रखा गया है। बहुत ज़्यादा यहाँ पे मच्छर आपके सर में भिनभिनाने लगते हैं, तो आप शाम होने का वेट ज़्यादा ना करो। और ठंड भी बढ़ रहा है, दिसंबर का मंथ है, तो अब हम लोग निकलते हैं यहाँ से। अपना ही अलग मज़ा है दोस्तों शाम के वक्त आईफिल टावर के नीचे खड़ा रहना। और मैं आपको बता दूँ कि ये तो रेप्लिका था, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था। बहुत सारे लोग दोस्तों अभी भी आ रहे हैं और लाइन लगाकर ऊपर की तरफ जा रहे हैं और फ़ोटो अपना निकाल रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं खुद ही। और उफ़ ये मच्छर, शाम होते ही ये पूरा मतलब इको पार्क पूरा पार्क एरिया है, तो मच्छर बहुत सारे हैं। तो अगर आपको मलेरिया से या डेंगू से बचना है तो जितना जल्दी हो सके आप शाम के वक्त यहाँ से निकल। तो दोस्तों शाम हो चुका है और आप लोग देख सकते हैं कि आईफिल टावर जो है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरती से सजा दिया गया है। सजा हुआ ही है दोस्तों, बस उसको जो लाइटनिंग जो होता है उसको ऑन कर दिया गया है। और आप लोग देख सकते हो ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अंधेरा हो चला है लेकिन लोग अभी जाने वाले नहीं हैं, देख लीजिए आप लोग, लाइन लगा कर है दोस्तों। बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे आते हैं ताकि अपना सेल्फ़ी ले सके और बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लगता है, तो इसलिए भीड़ भी बहुत ज़्यादा है। और आज संडे का दिन है और 27th of December है, तो दिसंबर तो मंथ ही होता है दोस्तों घूमने का। मेरा ना दोस्तों यहाँ से हटने का दिल नहीं कर रहा है और मन हो रहा है कि बहुत सारा पिक्चर क्लिक करती चली जाऊँ और वीडियो भी बनाऊँ, लेकिन आप लोग समझ सकते हैं कि रात काफ़ी हो चुका है तो इसलिए मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। और रेप्लिका का जब ये हालत है तो सोचिए ओरिजिनल वाला कितना ज़्यादा खूबसूरत होगा और लोग वहाँ पर जब जाते होंगे तो कितना ज़्यादा खुश होते होंगे। और पैसा डालो और आपको पानी भी मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये है आईफिल टावर जहाँ हम लोग आए हुए थे, आप लोग देख सकते हो। मैंने आप लोगों को पूरा ऊपर की तरफ भी ले जाकर अच्छे से दिखा दिया कि ऊपर का व्यू कैसा है। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी हिट कीजिएगा। मिलती हूँ आप लोगों को दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।